उन लोगों के लिए जिनकी डेट शीट चेंज हुई है काफी देखिए ये पेपर जो चेंज हुए हैं वो धरना प्रदर्शन से नहीं हुए हैं ये पेपर जो एक दिन पर दो दो पेपर थे वो चेंज हुए हैं सेम डेट पर पेपर थे तो वो चेंज हुए हैं तो किन लोगों के पेपर चेंज हुए हैं बताऊंगा वीडियो में लेकिन अभी मैं एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि रात में धरना हो रहा है एमजीपी रोकम स्टी में ठीक है जो हमारे संघ के लोग हैं शिक्षक संघ के लोगों ने रात में धरना प्रदर्शन किया है इससे आप देखिए एक बात तो साफ है कि हंड्रेड डेट शीट में तो बदलाव होने वाला है क्योंकि छुट्टियां जो हैं पिछली बार जो आपको बताया था मैंने कि संडे को एग्जाम ही नहीं कराया कंडक्ट कराने गए थे जो संघ के लोग थे तो उन्होंने जो शिक्षक संघ था और उसने काफ़ी लोगों ने संडे को एग्जाम को वाइकआउट कर दिया था और फिर उसमें बाद में अलग से बुलाए गए थे लोगों और पे पेपर कराया गया था तो बड़ी मुश्किल होने वाली है अगले संडे को इसलिए अभी से ही एमजीपी रो यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है आज देखिए कुलपति से बात भी होगी और आश्वासन दिया गया है कि आज बात करके बुधवार को कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाएगा छुट्टियां चाहिए छात्र संघ और शिक्षक संघ ने बोला संडे को नहीं होना चाहिए एग्जाम लेकिन अभी भी एमजीपी जी पी यूनिवर्सिटी की डेटशीट में संडे को एग्जाम है उसके बाद में जो शीतकालीन अवकाश थे उसमें तीन दिन की छुट्टियां दिखाई गई थी करा दी गई हैं लेकिन उससे खुश नहीं है उन्होंने कहा कि हमें पूरी छुट्टियां चाहिए और 100 परसेंट छुट्टियाँ चाहिए बाकी एक और आश्वासन दिया गया था कि बाद में आपको ये आठ नौ दिन की छुट्टियां दे दी जाएंगी तो लेकिन बाद में नहीं उन्होंने कहा कि ऑन टाइम चाहिए तो इसीलिए अभी भी, भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज आज तो रात हद ही हो गई कि एम जी पी ने रात में भी धरना हो गया है और जारी है अभी भी, भी धरना आज देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूँ अमृत विचार ने सुबह सुबह पब्लिश कर दिया था देखिए यहां पे लिखा है अवकाश के दिनों में परीक्षा के खिलाफ रात भर रजाई में लेटकर धरना दे शिक्षक ये बात तो देखिए काम की आपके मैं बताऊं काम की तो है ही क्योंकि आप देखिए छुट्टियां पढ़ाएंगी तो आपको पता लग जाएगा डेट शीट में बदलाव होगा लेकिन सबसे मोस्ट है देखिए उसमें आर्टिकल में बिल उसमें लगा है अलग कलर यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए एक ही दिन में प्रश्नपत्र होने के कारण कार्यक्रम में किया गया बदलाव तो आप देखिए यही मैं आपको बदलाव दिखाऊंगा अभी लेकिन आप देखेंगे कि एमजीपी रोक की साइड पे अभी शो नहीं हो रहा लेकिन जल्दी शो हो जाएगा लेकिन आप लोग यहां पर देख लीजिए विषम सेमेस्टर की जो परीक्षा है बाईस दिसंबर चार नौ और 10 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली थी वो चेंज हो गई हैं अब कब हो गई हैं ये देखिए मैं आपको बताऊं कैसे आपको चेक करना है सबसे पहले तो आप लोग देखिए आपको अगर इन डेट आपके एग्जाम है ना आपके अभी एडमिट कार्ड में है तो आप अपने एडमिट एड्मि, कार्ड को अपडेट कीजिए जैसे ही आप अपने एडमिट कार्ड को दोबारा से डाउनलोड करेंगे ना न्यू डेट शीट वाले एडमिट कार्ड अपडेट हो जाएंगे ये तो मैंने पहले ही बताया था एग्जाम स्टार्ट होते ही कि भाई देखिए एमजी पी रोकम के एडमिट कार्ड को अपडेट करते रहिए क्या पता कौन सा डेट कब चेंज हो जाए आपको सूचना भी नहीं मिल पाए उससे पहले ही यहां ये गड़बड़ हो जाए तो फिर आप हो सकता है कि आपका एग्जाम मिस हो जाए तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से कि आप 22, 4 और 9 और 10 ये आपकी जो डेटे हैं अगर इस इसपे आपका एग्जाम है आप किसी भी सेमेस्टर के हों मैं आपको बता दूं तो आप अपने एडमिट कार्ड को एक बार फिर से अपडेट कर लीजिए क्योंकि आज बीस तारीख है और उन्नीस तारीख को ही एमजी पीटी नहीं देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है मंगलवार को यहां पर लिखा है संशोधित कार्यक्रम जारी किया है तो वही मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन आप लोग कहेंगे सर ये अभी नहीं आया एम जी पी की तो इंतजार कर लीजिए उसके बाद ही ये मेरी बात को सच मानना लेकिन जो सच है वो सच है ये देखिए यहाँ पे 19 बारह दो हजार तेईस है अब मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या देखिए पूरी डेट शीट तो आप वहां से डाउनलोड कर ही लीजिए क्योंकि नहीं तो अब मेरी बात तो मानेंगे नहीं कि आप ये फेक है ये है वो है कोई बात नहीं आप लोग मत मानिए जब आपकी एम जेपी यूकर्सिटी पर ही ऑफिसियल साइट पर दिखने लगे एमजेपीआरयू डॉट ए सी डॉट इन पर तब मान लेना अभी मैं आपको संशोधित दिखा देता हूँ कि क्या क्या संशोधन किए गए हैं देखिए ये स्कॉल करके सीधे सीधे मैं वही दिखा देता हूँ आपको कि इसमें स्कॉल चेंज क्या क्या किए गए हैं तो ये चार तारीख और नौ तारीख और ये देखिए जो डेट बताई गई थी अभी मैंने सामने आपको दिखाया था डिस्प्ले पे वो वो डेट के लोग तो एडमिट कार्ड को अपडेट कर ही लीजिए सबसे तो पहले देखिए इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज इसका है पेपर है ठीक है तो ये पेपर है उसमें देखिए बात करें हम ये देखिए हिंदी लैंग्वेज का पेपर है तो ये बी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का पेपर है हिंदी भाषा का तो ये आपका चेंज हो गया है डेट देख लीजिए आप मेंशन अगर आपके पास उसमें देखिए आप एडमिट कार्ड में अगर आपके डेट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद में देखिए इंग्लिश का भी चेंज हुआ है मैं आपकी दिखा देता हूँ आपको इंग्लिश भी है और उसके बाद में एक और है आपका म्यूजिक वाला पेपर है और भी देखिए पेपर अब लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एडमिट कार्ड निकाले ना तो कम से कम डाउनलोड करके देख लीजिए क्योंकि डाउनलोड का कोई चार्जेस नहीं जाता है एम जी पी यूनिवर्सिटी ऑफिसर साइट से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं है इंग्लिश का भी देखिए ये है पेपर पेपर संख्या देख लीजिए इकतालीस चार जीरो एक ठीक है इकतालीस चार सौ एक यहाँ पर लिखा है तो ये भी यहाँ पे चेंज हुआ है अब आप, आपको सबसे अच्छा तो यही है कि आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके देख लीजिए अगर चेंज हुआ है तो उसको निकाल लीजिए बाकी अगर नहीं है तो आपके फोन में ही पड़ा रहने दीजिए और एक जो म्यूजिक वाला है ड्राइंग एंड पेंटिंग वाला ये देखिए ड्राइंग एंड पेंटिंग वाला भी चेंज हुआ है मैंने अभी देखा था इसमें भी डेट है और सबसे अच्छी बात कि एम जी यूनिवर्सिटी की डेट शीट में अभी फिर से आपको एक बड़ी खुशखबरी भी है लेकिन कुछ लोग बच्चे परेशान भी हो रहे होंगे कि फाइनली अब हो ही जाने दीजिए सर एग्ज़ाम कहाँ बार बार चेंजेस हो रहे हैं कि बाद में जाके बहुत दूर हो जाएगा एग्जाम तो जिन लोगों के हो गए बी ए बी, बी कॉम वालों को तो शायद समथिंग समथिंग हो गया है एग्जाम बी वालों का भी एक दो दिन के अंदर सभी हो ही जाएगा लेकिन बाकी के जो बच्चे बी वाले इनके एग्जाम मुझे लगता है अब लेट हो जाएंगे क्योंकि एम जी यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से धरना किया जा रहा है ना हंड्रेड वन परसेंट चेंजेस तो होने हैं तो देखते हैं क्या अपडेट होती है क्या परिवर्तन होते हैं जब तक तो अभी तक तो हम यही मानेंगे कि एमजे पी यूनिवर्सिटी की जो कोई भी अपडेट है वही फाइनल होगी तो अभी तक तो कोई परिवर्तन किया नहीं गया बस यही जो तीन पेपर हैं इसको इसलिए चेंज कर दिया गया क्योंकि सेम डेट थे और बाकी अभी धरना का कोई इस पर नहीं हुआ है जैसी कुछ होता है हम आपको बताएंगे बने रहिए हमारे साथ में और हमने आपको पहले ही बोला था कि अगर हमारे आपको बॉटनी ऑफ द क्लास से पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बाकी हम वीडियो अपडेट कर दिए हैं वहां से आप ले सकते हैं वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट थैंक यू फॉर कमेंट थैंक यू फॉर सपोर्ट बने रहिए हमारे साथ